गाइस, हाउ आर यू, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन एक्सपोनेंट्स के साथ। और आज हम इस वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे। आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिटिल बिट चेंज के साथ में यहां लेके आया हूं आपके लिए। और देखिए इन 5 क्वेश्चंस जो मेन 5 क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर हिट होते हैं, तो आप देखिएगा कैसे आप इन क्वेश्चन को क्विकली क्रैक करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इफ 2^n-7 इनटू 5^n-7 इज इक्वल टू 1250। ऑप्शंस आपके पास हैं 5, 2, 8 और 10। आपको करेक्ट आंसर यहां से सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए आप यहां पे कर क्या सकते हैं। हम यहां पे दोस्तों ये कर सकते हैं कि यहां पे दोनों का देखो पावर बेस अलग अलग है, तो हम यहां पे एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही काम कर सकते हैं कि हम इस वाले नंबर के फैक्टर्स कर दें, बस ये कर सकते हैं। तो इसको फैक्टर्स करिए, कुछ आपको सामने नजर आएंगी चीजें। देखिएगा हम फैक्टर करते हैं 1250 का। सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड किया तो 625 यू विल गेट। देन 625 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड किया आपको मिलेगा 125। फिर 5 से करेंगे आपको मिलेगा 25, और फिर 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 5 ओनली। फिर 5 से किया तो 1, यानी कि 5^4 और 2^1 हम बोल सकते हैं कि इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। देखिएगा 2^n-7 इंटू 5^n-4 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं बच्चों 2^1 इंटू 5^4, ठीक है। 4 टाइम्स 5 आया है, 1 टाइम 2 आया है। अब देखिएगा यहां पे दोनों मल्टीप्लाई में है और राइट साइड में भी दोनों मल्टीप्लाई में है, बीच में आपके पास इक्वल टू साइन है, तो आप क्या करेंगे कंपेयर कर दीजिएगा। 2 बेस है तो यहां पावर को कंपेयर कर देंगे, यहां 5 बेस है तो 5 पावर को कंपेयर कर देंगे। यहां पे बच्चों आप किसी को भी कंपेयर कर लो, दोनों में आपके पास वैल्यू सेम आने वाला है। देखिएगा अगर मैं 2 का पावर कंपेयर करता हूं तो आपके पास क्या मिलेगा, n-7 इज इक्वल टू 1। सो n इक्वल टू आप क्या करेंगे 1+7, तो n इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। अब आप 5 का पावर कंपेयर करेंगे, so this power will be compared with this because base is same or equal to sign है आपके पास, n-4 is equal to 4, तो यहां से n is equal to आपके पास 4 जब आपका राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n is equal to 8 आपके पास फिर से आंसर आ रहा है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक सिंगल वेरिएबल के दो आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। सो यहां पे आपके पास आंसर आ रहा है 8, सो सी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ m इज इक्वल टू दिस, यानी कि आपको इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है और आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। यहां पे एक्सपोनेंट वाली कोई m के ऊपर कोई एक्सपोनेंट वाली कहानी नहीं है, यानी कि आपको यहीं पे बस एक्सपोनेंट का कुछ प्रोसेस लगाना है और m का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहली बात यहां पे दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए जो गिवन है वो क्या है, सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चे, जो कि अक्सर कॉमन मिस्टेक नजर में आता है कि ऐसा लिखा हुआ है ना, तो क्या करेंगे 2^7 को 2^7 से कैंसिल कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है यहीं पे। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप ये बताइए, इससे पहले आपने फ्रैक्शन सीखा है, अगर मैं आपको कहता हूं 7-3/3 तो क्या आप इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहले आप डिफरेंस निकालेंगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला 3 इन दोनों 3 जो है वो 7 का भी डिनोमिनेटर है और इस 3 का भी डिनोमिनेटर है, या तो आप इसको ऐसे लिखें फिर आप उस 3 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहां पे ये जो 2^7 है ये इन दोनों का पार्ट है, ना कि अकेले 2^7 का पार्ट है। ये कॉमन मिस्टेक मैं आपसे अक्सर डिस्कस करता हूं क्योंकि अक्सर हमारे सामने क्लासरूम में आती रहती है, ठीक है। सो आपके दिमाग में भी ऐसी अगर कोई बात है तो उसको क्लियर कर लीजिएगा, उसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो सबसे पहला काम मैं ये लिखूंगा कि मैं इसके बेस को अलग अलग स्प्लिट कर दूंगा, 2^7 जो है वो दोनों के नीचे लगा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैं पावर माइनस नहीं कर सकता बिकॉज डिविजन साइन नहीं है, माइनस साइन है इस बार। वो मिस्टेक भी करते हैं बच्चे, वो मत करना आप, ठीक है। अब यहां पे एक्सपोनेंट लग जाएगा, ये डिवाइड में हो गया, ये भी डिवाइड में, बेस सेम है तो पावर माइनस कर दो, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या होगा, 2^9-7 माइनस 2^7-7। अब 2^9-7 2^2 हो गया, माइनस 2^0 हो गया, और यहां से 2^2 मतलब 2×2 = 4 माइनस 2^0 जीरो मत कर देना, समथिंग रेस टू पावर जीरो 1 होता है, तो यहां पे 1 आया, 4-1 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है, 3 आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।
सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड इफ द क्वेश्चन इज दिस 5/3 raised to power -5, 5/3 raised to power 11 इज इक्वल टू 3/5 raised to power -8। थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया गया है, यहाँ 5/3 और 5/3 है बट राइट साइड में 3/5 लिखा हुआ है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। देखिएगा सबसे पहला दो स्टेप का क्वेश्चन है बस, और दो स्टेप में आपके पास सिंपल इक्वेशन तैयार हो जाएगी, फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेस सेम है, देखिए बेस कैसा भी हो बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे एक रेशनल नंबर का बेस है 5/3 5/3 तो नो प्रॉब्लम। इफ बेस इज सेम एंड देर इज मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन सो वी कैन एड द पावर, सो -5 + 11 सो 5/3 raised to power आपके पास हो गया 6, यही बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब आपने यहां पे देखा कि राइट साइड में आपके पास 3/5 है क्या नहीं 3/5 और लेफ्ट में आपके पास 5/3 है, तो इसको क्या किया जाए, अगर मैं बेस को रेसिप्रोकल करता हूं तो एक्सपोनेंट यानी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर मैं बेस को रेसिप्रोकल कर दूंगा 3/5 से 5/3 कर दिया तो यहां पे पावर -8x था वो +8x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों बेस सेम हो गया, अब यहां पे हम लिखते हैं 5/3 raised to power 8x और यहां पे आपका क्वेश्चन सोल्व होने जा रहा है। 5/3 5/3 बेस इज सेम इक्वल टू साइन इज देयर सो इक्वेट द पावर, बेस इज सेम सो विल इक्वेट द पावर, तो आपके पास क्या क्वेश्चन बन जाएगा 6 = 8x और आप लिख सकते हैं 8x = 6 सो x इज इक्वल टू 6/8 2 3 जा 2 2 से किया 4 जा तो x = आपके पास आंसर आ रहा है दोस्तों 3/4, क्या आंसर आ जाएगा 3/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मेरा सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट जा रहा है, ठीक है। ओनली टू स्टेप में आपके पास क्वेश्चन रेडी हो रहा है, थोड़ा सा क्विक प्रैक्टिस आप अच्छा करेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली क्रैक कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यही सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको क्लास 8 आरएस अग्रवाल में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं एमसीक्यूज में। देखिएगा कैसे क्रैक करेंगे आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ 2^3 n - 1 + 10 divided by 7 इज इक्वल टू 6, आपके पास ऑप्शंस हैं -2, 0, 1 और 2। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है मेरे पास और ये डिवाइड में बैठा हुआ है, सो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहला स्टेप में ये लिख सकता हूं 2^3 n - 1 + 10 और डिवाइड का मतलब है कि मैं इसको 7 को यहां भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू 6/1 भी लगा सकता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम, डिवाइड में बैठा है भाई, डिवाइड तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, या उसको 1/7 भी लिख सकते हैं तो मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाएगा, एक ही बात है, आप कैसे भी समझ लीजिए। अब ये वाला 7 आपका मल्टीप्लाई होगा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 7 ऊपर जाएगा तो 7 × 6 क्या बना देगा 42 बना देगा, यानी कि 2^3 n - 1 + 10 इज इक्वल टू बना देगा 42, 7 × 6 42 बना देगा। अब आप इस 10 को प्लस है, ये 10 आप राइट में लेके जा सकते हैं, अभी मैं एक्सपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, इसको राइट में लेके जाइए। अब जब राइट में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये 2^3 n - 1 इज इक्वल टू 42 - 10 हो जाएगा, -10 होगा पॉजिटिव है राइट में जाएगा माइनस होगा, तो ये बना देगा 32, यानी कि आपको कुछ तो सॉल्यूशन नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल नजर आ रहा होगा, समझ गए होंगे आप क्या होने वाला है, इज इक्वल टू 32 आपके पास आ गया। यहां से आपको कहानी समझ में आ रही है कि ये 2 का पावर है समथिंग और यहां 32 जो है उसके अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो वो 2 का कितना पावर बनता है, 3 पावर बनता है, यानी 2^3 n - 1 इज इक्वल टू 2^5 बन जाएगा, 2^5 कल कर करके देखिएगा आप, 2 को 5 times मल्टीप्लाई करो आपको 32 मिलेगा, ठीक है। अब बेस इज सेम, नाउ यू कैन इक्वेट द पावर, सो 3n - 1 इज इक्वल टू 5, 1 को राइट में ले जाएं, 3n इज इक्वल टू 5 + 1 हो गया आपके पास, तो यहां से 3n इज इक्वल टू आपके पास हो गया 6, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आपके पास आएगा दोस्तों 6/3 दैट इज 2, सो n का वैल्यू आपका 2 हो रहा है, 2 करेक्ट आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ध्यान से समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर देता हूं कि 7 डिवाइड में बैठा है, इसको आप 1/7 लिखेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या 7 इसके नीचे लगा दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 ऊपर चला गया, 1 इधर आया, 1 इधर आएगा तो कोई चेंज नहीं करने वाला, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 6 42 बन गया, फिर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया और
10 जो है प्लस में बैठा है राइट में जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, 42 माइनस 10 32 हो गया, फिर उसको 2 की पावर में लिख दो, देन सेम प्रॉपर्टी, बेस इज 7, बेस इज सेम, यू कैन इक्वेट द पावर। ठीक है, तो पावर को इक्वेट कर दिया तो यहां से आपको एन का वैल्यू मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ 9/2 होल पावर 1 माइनस 2n इक्वल टू 2/9। फिर से देखिएगा, बेस चेंज हुआ है और राइट साइड में आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई में है सेम बेस के साथ, तो आप यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या लगाएंगे, फिर से आपके पास टू स्टेप में क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल रेडी, 2/9 2/9 बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर को प्लस कर देंगे हम, 9/2 और पावर आपके पास है 1 माइनस 2n एक्सपोनेंट, और 2/9 का जो एक्सपोनेंट है वो बन जाएगा 3 प्लस माइनस 6। ये वाला पावर माइनस 6 है ना, इसीलिए मुझे ब्रैकेट यूज करना होगा, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये छोटी बातों को आप डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल करना शुरू कर देंगे। इज इक्वल टू नाउ 3 माइनस 6 होगा, ये हो गया 3 माइनस 6, तो पावर क्या बन रही है, देखिए एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या बन जाएगी, नेक्स्ट स्टेप आगे लेके चलते हैं, 9/2 और होल पावर 1 माइनस 2n राइट इज इक्वल टू 2/9 का पावर माइनस 3 बन रहा है, क्या बन रहा है, 2/9 का पावर माइनस 3 बन रहा है। अब मुझे दोनों साइड बेस सेम करना है तभी तो मैं पावर को इक्वेट करूंगा, तभी तो n का वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्यों ना यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसी बेस को रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो पावर पॉजिटिव भी हो जाएगी और साथ में बेस सेम भी हो जाएगा। ठीक है, 9/2 raised to power 1 minus 2n is equal to, आपके पास क्या है, 2/9 को आप लिखेंगे 9/2 और पावर जो है वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, नाउ बेस इज सेम, इक्वेट द पावर, आप यहां लिखेंगे बेस इज सेम सो इक्वेट द पावर, सो 1 minus 2n इज इक्वल टू 3, 1 आपका राइट में जा रहा है माइनस हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 3 minus 1 हो गया, 1 राइट में गया माइनस हो गया, अब 3 minus 1 क्या हुआ, 3 minus 1 हुआ 2, यानी कि -2n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू हो गया 2/-2, दैट इज -1 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है और यहां से आपके पास सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आरडी चेयरमैन आरएस अग्रवाल से, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज के साथ में इन क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट किया है, ऐसे ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए, कोई भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, काफी कमेंट मैं रिसीव करता हूं, तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का भी कमेंट मैंने रिसीव किया है कुछ, तो उसमें भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलेंगे, उससे पहले क्लास एट्थ के कुछ टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं। ओके, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, जय हिंद जय भारत।